कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम द्वारा आयोजित संत मुरारी बापू के मुखारविंद से श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा प्रवचन में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता जयंती उत्सव पर संत मुरारी बापू की कथा का दुर्लभ संयोग बना है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा प्रवचन सुनने से नेताओं को अपने कर्तव्य बोध स्मरण रहते हैं। मैं तो जब भी इस प्रकार की कथा प्रवचन ये सुनता हूं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान में आता है। आखिर हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग तो उन्हीं आदर्शों के माध्यम से, उन्हीं जो वैश्विक सिद्धांत है उनके माध्यम से समाज में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जब राज करने की बात आती थी तो कहा जाता था कि बढ़िया राज कौन सा, राम राज्य। राम राज्य बढ़िया राज्य। और उस राम राज्य की कल्पना अपने अपने ढंग से सब करते हैं कि राम राज्य क्या हो सकता है। इन कथाओं में, रामायण में बहुत सी कहानियां कथाएं हैं। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूं स्वामी मुरारी बापू जी के सामने किसी प्रकार की बात कहने का कि मैं प्रभु राम जी के बारे में कोई बात सुनाऊं, कथा सुनाऊं, लेकिन फिर भी चूंकि राम राज्य की बात आती है तो किस प्रकार की मर्यादाएं, किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के समय उन नीतियों के बारे में, क्योंकि रामचंद्र जी का अपना कोई ऐसा विषय नहीं था कि अपने लिए कुछ करते थे, नीतियों की मर्यादाएं रखते थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि राम कथा का भव्य आयोजन और वो भी संत मुरारी बापू के मुखारविंद से होना एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि श्री राम द्वारा जीवन जीने का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। मैं परम पूज्य बाबूजी के चरणों में शशर नमन करता हूँ कि मुझे बार बार जब भी मैं मौका मिलता है मैं बापू के चरणों में और उनके मुख से अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और हमारे गीता मनीषी जिन्होंने इस गीता ज्ञान को, गीता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का काम किया और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि 9 दिन तक बापू की ये कथा हमारे नौजवानों को, हमारे देश के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की ओर ले जाकर मानवता का संदेश देने का काम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को अच्छे कर्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बुरे कर्म करने वालों को ईश्वर अवश्य दंड देता है, इसलिए हमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को खुद दंड देने से समाज का भला नहीं होने वाला है, हमें श्री राम कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।